जय हिंद साथियों, मैं राज आपके YouTube चैनल एग्जाम विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती। न्यू अपडेट मिली है आपकी, शिक्षक भर्ती होने वाली है। पद हैं 16,133 पद, शासन ने दी है अनुमति। ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेके आए, PGT और TGT वालों के लिए पद की भर्ती है। पूरी जानकारी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, शासन की अनुमति पर शुरू। यहाँ पर देखिए टॉपिक में दिखाना चाहूँगा आपको, शासन की अनुमति पर शुरू होगी 16,133 शिक्षकों की भर्ती। ये देख सकते हैं आपको, बिल्कुल अपडेट आ चुकी है आपके। प्रदेश के 4300 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक TGT के 13,237 और प्रवक्ता PGT के 2,899 कुल 16,133 पदों पर भर्ती शासन की अनुमति मिलने के बाद शुरू की जाएगी। यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सोमवार से बुधवार तक चली बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तर्ज पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध शासन से किया जाएगा। वैसे तो पूर्व में चयन आयोग बोर्ड अपने स्तर से भर्ती शुरू करता था, लेकिन इस बार शिक्षा सेवा चयन आयोग जो हमारे हैं उसके गठन की प्रक्रिया गतिमान होने के कारण अनुमति लेने की सहमति बनी है। चयन बोर्ड ने पिछले साल जब जुलाई तक जिला विद्यालय निरीक्षकों से खाली पदों की सूचना ऑनलाइन मांगी थी, उस समय प्रशिक्षित स्नातक के 30,260 एवं प्रवक्ता के 6,695 यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी मिली थी। लेकिन उसके बाद प्रदेश भर के स्कूलों में छात्र संख्या के सापेक्ष पदों का सत्यापन कराया तो वास्तविक संख्या आधे से भी कम रह गई। सचिव प्रमुख सचिव R. रमेश कुमार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े एक प्रकरण में 6 जनवरी को राज्य सरकार के अधिवक्ता को भेजी गई सूचना के मुताबिक वर्तमान में सहायक अध्यापक के 13,237 व प्रवक्ता के जो 2,896 खाली पद चयन बोर्ड को मिल चुके हैं। तो यहाँ पर ये बोर्ड की जो हमारी शासन की अनुमति पर यहाँ पर भर्ती होने वाले शिक्षकों की जो TGT PGT वाले हैं उनको 16,133 का मौका मिल सकता है। और भी कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।